हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल हिंदी शॉर्ट एंड शो पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की डिक्टेशन की स्पीड होगी 100 शब्द प्रति मिनट। राजस्थान हिंदी कोर्ट डिक्टेशन फॉर न्यूज़पेपर। डिक्टेशन को स्टार्ट करेंगे 5 सेकंड बाद। रेडी स्टार्ट। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दोगुना होने की रफ्तार में कमी आने के बीच ऐसे दावे उम्मीद जागते हैं कि अगले माह से कोरोना का प्रकोप थमने लगा। वास्तव में ऐसा ही हो, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। दिल्ली बम्बई के साथ देश के कुछ अन्य शहरों में कोरोना मरीजों की संख्या जिस तरह बढ़ी है, उसके चलते इस सवाल पर माथापच्ची शुरू हो गई है कि आखिर 3 मई के बाद क्या होगा। क्या लॉकडाउन ख़त्म होगा या फिर कुछ जगह जारी रहेगा और शेष देश में उसमें ढील दी जाएगी। सवाल यह भी उठ रहा है कि लॉकडाउन में ढील वाले इलाकों में किस तरह की गतिविधियां शुरू करने की अनुमति मिलेगी और उस दौरान क्या सावधानी बरतनी होगी। यह तय है कि आने वाले दिनों में इस तरह के सवाल और अधिक उभरेंगे, क्योंकि विस्तारित लॉकडाउन के ख़त्म होने का समय करीब आ रहा है। चूँकि सरकार के सामने लोगों की ज़िंदगी बचाने के साथ जीविका के साधनों को भी संभाल देने की चुनौती है, इसलिए उसे बीच का कोई रास्ता निकालने के लिए तैयार रहना चाहिए। पैरा चेंज। अब जब लॉकडाउन की अवधि ख़त्म होने में करीब 1 सप्ताह ही शेष है, तब फिर अन्य अनेक मामलों के साथ इस पर भी विचार करना होगा कि देश के विभिन्न हिस्सों में जो तिजाड़ी मजदूर और कामगार रुके हुए हैं, उन्हें कहाँ जाने की सुविधा प्रदान की जाए, उन्हें अपने गांव घर जाने की इजाज़त दी जाए या फिर वहाँ भेजने का प्रबंध किया जाए जहाँ वे काम कर रहे थे। यह सही है कि तमाम कामगार अपने गांव घर जाना चाहते हैं और वह उनकी भावनात्मक ज़रूरत भी है, लेकिन इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कारोबारी गतिविधियाँ उनके श्रम और सहयोग से ही शुरू हो सकती हैं। बेहतर हो कि जो मजदूर अपने काम पर लौटना चाहते हैं, उन्हें न केवल इसके लिए प्रेरित किया जाए बल्कि उन्हें यह भरोसा भी दिलाया जाए कि उनकी हर संभव देखरेख होगी। इस बारे में केंद्र और राज्य मिलकर कोई फैसला करें तो बेहतर, ताकि ना तो किसी तरह के भ्रम की गुंजाइश रहे और ना ही कोई नई समस्या सिर उठाए। कामगारों को उनके गांव घर भेजने अथवा उनके कार्य स्थलों में वापसी के प्रबंध करने के मामले में केंद्र और राज्यों को साझा फैसला करते समय उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखना होगा। निसंदेह एक अन्य ज़रूरत यह भी है कि कोरोना संक्रमण से बचे रहने के लिए जरूरी दिशा निर्देशों के पालन के प्रति और गंभीरता का परिचय दिया जाए। इन दिशा निर्देशों के उल्लंघन की खबरें शुभ संकेत नहीं हैं। स्टॉप। फ्रेंड्स, मैं आप सभी से आशा करता हूं कि आप सभी को यह डिक्टेशन पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, डिक्टेशन को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।